मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है शब्द। शब्द जिसे हम इंग्लिश में वर्ड्स कहते हैं। वर्ड्स होता क्या है? ऑलरेडी आई हैव डिस्कस विद यू, वर्ड्स आर मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड मात्राज इन हिंदी। शब्द जो है वो अक्षरों और मात्राओं का अर्थपूर्ण मेल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, मैंने लिखा आ, ठीक है, और फिर मैंने लिखा ओ, है ना। अगर मैं इन दोनों लेटर को मिला दूं तो क्या बन जाएगा? आओ, आओ मीन्स कम। सो दिस इज मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, है ना। ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं दैट वी विल कम टू नो ग्रेजुअली, है ना। ओके, अब आपको क्या करना है, ये आपकी व्याकरण लतिका की बुक है। नाउ एवरीबडी ओपन पेज नंबर 14 इन योर हिंदी ग्रामर टेक्स्ट बुक। सब लोग अपनी हिंदी ग्रामर टेक्स्ट बुक की पेज नंबर 14 खोलिए एंड वी विल कम टू नो अबाउट सम वर्ड्स। ओके, सबने खोल लिया? हाँ, चलिए। फर्स्ट पिक्चर आप देख रहे हैं, किसका पिक्चर है? अदरक, ठीक है। अ द र क, इसे क्या पढ़ेंगे? अदरक, अ द र क, है ना। चलिए दूसरा पिक्चर, वन कोट इज हैंगिंग। कोट को हिंदी में कहते हैं अचकन। अचकन लिखते कैसे हैं? अ च क न, अचकन, है ना। चलिए दूसरा, अभी तक जो हमने पढ़ा दीज वर्ड्स आर विदाउट मात्राज, है ना। अब हम मात्रा के साथ लेटर्स को पढ़ेंगे। हमने मात्रा पढ़ी है ना, आ की मात्रा, ई की मात्रा, री की मात्रा, ओ की मात्रा, अह की मात्रा। इन मात्राओं से भी शब्द बनते हैं, अब हम उनको पढ़ेंगे, ठीक है। Now, seeing your grammar textbook, I have written the words here. You keep your textbook open and listen to me very carefully what I have written, ठीक है। म में आ की मात्रा, मा। ल में आ की मात्रा, ला। हो गया मा ला, ठीक है ना। छ में आ की मात्रा, छा। त में आ की मात्रा, ता। बन गया छा ता, छा ता, ठीक है। ह में छोटी की मात्रा, ही। र न, बन गया हिरन, है ना। च में छोटी की मात्रा, ची। अड में छोटी की मात्रा, अड़ी। य में आ की मात्रा, या। बन गया चिड़िया, है ना। ब में बड़ी की मात्रा, बी। न हो गया बीन। ह में आ की मात्रा, हा। थ में बड़ी ई की मात्रा, थी। हा थी, बन गया हाथी, है ना। लाइक दिस वी शुड रीड द वर्ड स्लोली विथ इट्स मात्राज, ठीक है। ये आपके पेज नंबर 14 में ये सारे वर्ड्स दिए हुए हैं विथ पिक्चर्स। दिस ऑल वर्ड्स आर रिटन विथ इट्स पिक्चर्स। ओके, यू हैव टू स्लोली रीड देम। नाउ कम टू एक्सरसाइज पार्ट, पेज नंबर 15। ओके, I'll discuss with you and afterwards you have to write the answers in your textbook with a pencil. Okay? Question number 1 hai, you have to write with the picture the words. In sabhi pictures ke naam aapko likhne hain, sabhi tasveeron ke naam likhne hain. First picture, mala, ye already written in your textbook. Second picture,
अचकन है ना, हमने पढ़ा है ना अभी अभी पेज नंबर 14 में, अ च क न अचकन। नाउ नेक्स्ट पिक्चर, किताब है ना, क में छोटी की मात्रा, त में आ की मात्रा, ता ब किताब। नेक्स्ट पिक्चर गिटार, ग में छोटी की मात्रा गी, ट में आ की मात्रा टा, र गिटार। नेक्स्ट पिक्चर घड़ी, घ अड़ में बरी की मात्रा घड़ी। ऑल दीज वर्ड्स आर रिटेन इन अ कंप्यूटर, यू हैव टू पिक देम अप एंड राइट द करेक्ट आंसर विथ द पिक्चर गिवन इन द टेक्स्ट बुक, ठीक है ना। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, है ना, वर्णों को जोड़कर नए शब्द बनाओ। वन एग्जाम्पल इज गिवेन, वॉट यू हैव टू डू विथ लेटर्स, विद द लेटर ल यू हैव टू ज्वाइन ऑल द लेटर्स गिवेन, त ल तल ऑलरेडी गिवेन इन योर टेक्स्ट बुक। नेक्स्ट द ल दल, फ ल फल, ब ल बल, ऑल दिस यू हैव टू राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, यहाँ पर ल ल लेटर्स को दूसरे अक्षरों से जोड़ना, वी हैव टू ज्वाइन द लेटर ल विथ अदर लेटर्स। वन एग्जाम्पल इज ऑलरेडी गिवेन, गा ल गाल, ता ल ताल, दा ल दाल, बा ल बाल, है ना। लाइक दिस यू हैव टू राइट इन योर टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 3, मात्रा लगाकर शब्द लिखो। मात्रा इज ऑलरेडी रिटेन विथ लाइक डॉट्स, है ना, आपको देखकर कॉपी करना है ना। त में छोटी की मात्रा ती, त ल में बड़ी की मात्रा ली, तितली, है ना। स में छोटी की मात्रा सी, प में आ की मात्रा पा, ह में बड़ी की मात्रा ही, सिपाही, है ना। ख में छोटी की मात्रा खी, अड़ क में बड़ी की मात्रा की, खिड़की। लाइक दिस इन द गिवन प्लेस यू हैव टू राइट द वर्ड्स वेरी नीटली, विल यू डू दैट? यस, आई विल गिव यू आंसर्स आल्सो। ओके, थैंक यू।